हेलो स्टूडेंट्स, डाटा स्ट्रक्चर दे आज नेक्स्ट लेक्चर जब आप दिखाएंगे कि सर्चिंग ऑपरेशन ऑन एरे। सर्चिंग की है, सर्चिंग इज एन ऑपरेशन टू फाइंड एन एलिमेंट इन दी एरे। सो एरे अपन एक गिवन है जिस कुछ एलिमेंट स्टोर ने, तो आप कोई एलिमेंट सर्च करना है कि वह एलिमेंट उस एरे च है या नहीं है। अगर है तो आप इंडेक्स स्टोर करावे लोकेशन दे विच, अगर नहीं है तो लोकेशन दे विच नल वैल्यू होएगी, जो डिफॉल्ट वैल्यू होएगी नल, जितो अपन पता लग गया कि वो एलिमेंट है जिहड़ा एरे च नहीं है। सो सर्च दे विच अपन दो टाइप करते हैं, सर्चिंग दिया दो टाइप्स ने, दो मैथड ने, एक है लीनियर सर्च ते एक है बाइनरी सर्च। सो लीनियर सर्च है वो आप किसी भी तरह के एरे के उत्ते परफॉर्म कर सकते हैं, उहदे विच जरूरी नहीं है कि एरे है जिहड़ा सोर्टिंग फॉर्म दे विच होवे, कि एरे एक पर्टिकुलर ऑर्डर दे विच स्टोर होवे। एरे दे जो एलीमेंट्स ने वो किसी भी फॉर्म च हो सकते हैं, चाहे वह सोर्टड हो या फिर अनसोर्टड हो। सो इस करके आप लीनियर सर्च किते भी परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी जिहड़ी टाइप है बाइनरी सर्च, उहदे विच एक प्री कंडीशन है कि जिहड़े एरे दे एलीमेंट्स ने वह सोर्टिंग ऑर्डर दे विच होने चाहिए ने, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दे विच होने चाहिए ने। सो इस करके आप सिर्फ सोर्टड एरे दे उत्ते ही बाइनरी सर्च ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अज दे लैक्चर च आप देखांगे लीनियर सर्च की हुंदी है ते उहदा की मैथड है, किवें आप लीनियर सर्च नूं परफॉर्म कर सकते हैं। सो लीनियर सर्च की है कि आपां नूं एक एरे गिवन है, सपोज एरे का नाम है ए, तो उहदे विच कुछ एलीमेंट्स गिवन ने 5, 15, 8, 16, 28, 13, 10, 12, 4 and 7। सो ये एलीमेंट्स आपां नूं गिवन ने जिन्हां दा इंडेक्स ने 0 to 9। आपां इहदे विचों एक एलीमेंट फाइंड आउट करना है जो आपां नूं गिवन होएगा आइटम दे विच। सपोज आइटम दे विच जो एलीमेंट फाइंड आउट करना है वह है 13। सो आपां इह एरे दे विचों 13 फाइंड करना है। सो अगर तां उह 13 इस एरे दे विच है, प्रेजेंट है, दैन आपां लोकेशन दे विचों दा इंडेक्स स्टोर करावांगे, अदरवाइज लोकेशन दे विच नल स्टोर होएगा। सो इत्थे जिहड़ा लोकेशन दे विच है वह वैल्यू आनी चाहिए लोकेशन दे विच 5, क्योंकि जिहड़ा 13 है वह कित्थे स्टोर है, 5 इंडेक्स दे उत्ते स्टोर है। सो लोकेशन दे विच किन्नी वैल्यू आनी चाहिए है 5। सो यह अपना आउटपुट आनी चाहिए है। सो उहदे लई आपां की लॉजिक परफॉर्म करांगे, ਆਪਾਂ ਲੋਜਿਕ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਰੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ 1 by 1 ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੋਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ 0। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ A0 ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 1 by 1 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 13 ਹੈ, ਇਹ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਈਟਮ ਨਾਲ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੋਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਸਰਚ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੀਨੀਅਰ ਸਰਚ ਨੂੰ ਸਿਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਿਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਚ ਮੀਨਸ 1 by 1 ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ 0 ਅਪ ਟੂ ਲਾਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੋਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਈਟਮ 20, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ 20 ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, 20 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਟੋਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਾਈ ਡਿਫੋਲਟ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਨਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਪਈ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਨਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਫੋਰ ਲੀਨੀਅਰ ਸਰਚ। ਲੀਨੀਅਰ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇੱਕ ਏ, ਐਨ, ਆਈਟਮ ਐਂਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਏ ਕੀ ਹੈ? ਏ ਇਜ਼ ਏ ਵਨ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ ਵਿਦ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਏ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਰੇ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਏ ਇੱਕ ਐਰੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ 0 to n। ਸਪੋਜ਼ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 9। ਸੋ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ 9 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕੁਛ, ਸਪੋਜ਼ 5, 15, 12, 8, 6, 13, 11, 20, 11 and 10। ਇਹ ਕੁਛ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਈਟਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਸਟੋਰ ਦੀ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੇਅਰ ਆਈਟਮ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ। ਸੋ ਆਈਟਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਈਟਮ ਫਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਫ ਆਈਟਮ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਫਾਊਂਡ ਦੈਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਨਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਈਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ,
अदरवाइज लोकेशन की वैल्यू होगी नन। सो एलगोरिदम देखो कि स्टैप्स होंगे, सब तो पहला स्टार्ट करते हैं, दैन सैट लोकेशन इज इक्वल टू नल, इनिशियली लोकेशन की वैल्यू की होगी नल होगी। सो इनिशियली लोकेशन की वैल्यू नल रखने का मतलब की है कि फिलहाल आप मन के चल रहे हैं इस कोई भी एलीमेंट जो एलीमेंट आप फाइंड करना है वह नहीं है, अगर वह एलीमेंट फाउंड हो जाता है फिर आप लोकेशन की वैल्यू अपडेट कर देंगे टू दैट इंडेक्स। दैन रिपीट स्टैप फोर फॉर आई इज इकल टू जीरो टू एन। सो इतने देखो आप की स्टैप फॉलो कर रहे हैं कि आप लूप लगावे एक जीरो तो स्टार्ट करा तो कितने तक चलावे एन तक। सो रिपीट स्टैप फोर फॉर आई इज इकल टू जीरो टू एन। सो पहली लोकेशन तो आप स्टार्ट करा कंपेयर करना वन बाय वन अप टू एन तक। दैन कंपेयर किमें करा आप इफ ए आई इज इकल टू आइटम, ए आई मीनस पहला आई की वैल्यू जीरो होगी, दैन ए जीरो इज इकल टू आइटम, दैन ए वन इज इकल टू आइटम। इस तरीके वन बाय वन आप कंपेयर करा आइटम जिथे वो आइटम मिल जाती है, इफ दिस इज इकल टू आइटम यानी कि अगर आइटम मिल जाती है दैन सैट लोकेशन इज इकल टू आई। सपोज आप ए फोर के उत्ते जाके आइटम मिलती है, सो लोकेशन की आ जाएगी फोर लोकेशन इज इकल टू आई एंड एग्जिट, तो आप उ ही स्टॉप कर देंगे। अगर वो लूप पूरा चल जाता है यानी कि आइटम आप फाउंड नहीं होंगी दैन फिर लोकेशन की वैल्यू कितनी रहेगी नल, उत्थे फिर आप लोकेशन की वैल्यू अपडेट नहीं करांगे, लोकेशन की वैल्यू सिर्फ आप उ ही अपडेट कर रहे हैं इफ ए आई इज इकल टू आइटम यानी कि जो आप आइटम फाउंड हो जाती है फिर ही आप लोकेशन की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे, अदरवाइज लोकेशन की वैल्यू नल रहेगी। सो आप इनू एक रन करके देखते हैं। सपोज अपने को एरे है जिदे विच अपने को जीरो टू नाइन एलीमेंट्स ने, सो एन की वैल्यू कितनी होगी नाइन, लोकेशन की वैल्यू सैट लोकेशन इज इकल टू नल, पहला लोकेशन की वैल्यू नल है, आइटम सपोज आप फाइंड करना है इथे सिक्स, सपोज आप इथों की फाइंड आउट करना है सिक्स फाइंड आउट करना है। सो पहला देखो आई की वैल्यू रिपीट स्टैप फोर फॉर आई इज इकल टू जीरो टू एन, सो पहला आई की वैल्यू कितनी होगी जीरो, कितने तक लेके जानी आप एन तक यानी कि नाइन तक। सो आई की वैल्यू पहले जीरो है, इफ ए आई यानी कि ए जीरो इज इक्वल टू आइटम, इफ ए जीरो की है फाइव इज इक्वल टू आइटम कितना है सिक्स, इफ फाइव इज इक्वल टू सिक्स नो कंडीशन फॉल्स होगी, सो इस करके आप स्टेटमेंट नहीं रन करा, यह स्टेटमेंट सिर्फ उदो ही रन होगी जदों ये कंडीशन ट्रू होगी। सो ये स्टेटमेंट जो नहीं रन हुई लोकेशन आप नहीं अपडेट कर रहे दैन सैकेंड स्टैप से जावे, सैकेंड स्टैप च आई की वैल्यू कितनी होगी वन। नाउ इफ ए वन, ए वन कितना है, इफ ए वन इज इकल टू आइटम, ए वन है अपने को फिफ्टीन ते आइटम है सिक्स, फिर कंडीशन की हो रही है फॉल्स हो रही है। नेक्स्ट स्टैप से जावे आई इज इकल टू टू, हम इफ ए टू इज इकल टू आइटम, ए टू है अपने को ट्वेल्व, ए टू ट्वेल्व है ते आइटम है सिक्स, ये भी कंडीशन फॉल्स हो रही है आप स्टेटमेंट नहीं रन करांगे। नेक्स्ट स्टेप इफ ए थ्री, ए थ्री ते कितनी वैल्यू है एट, जदों आई की वैल्यू थ्री होगी एट इज इक्वल टू सिक्स, ये भी कंडीशन फॉल्स हो रही है। दैन आई इज इक्वल टू फोर, जदों आई की वैल्यू फोर हो रही है दैन इफ ए फोर इज इक्वल टू आइटम, ए फोर है अपने को सिक्स ते आइटम भी है सिक्स, सो कंडीशन की होगी ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है इफ ए आई इज इकल टू आइटम दैन की करना है लोकेशन इज इकल टू आई, फिर आप करा लोकेशन की वैल्यू इज इकल टू आई, आई की वैल्यू कितनी है फिलहाल फोर, सो लोकेशन की वैल्यू कितनी होगी फोर, सो लोकेशन इज इकल टू फोर। तो ये ही अपने की लिखे एंड एग्जिट, तो ये ही आप लूप न एग्जिट कर देंगे, प्रोग्राम न एग्जिट कर देंगे, तो फाइनली अपने को कितनी वैल्यू आ गई लोकेशन की फोर। सो इसका मतलब की है कि अपने को जो फोर इंडेक्स के उत्ते वैल्यू है वो फाइंड आउट हो चुकी है दैट इज आइटम। सो ये सिक्स वैल्यू कितने पई है इंडेक्स फोर के उत्ते, अगर वैल्यू ना मिलती अपन इतने फिर आप सारा लूप कंप्लीट कर दे नाइन टेन तक, तो उत्थे फिर आप लोकेशन की वैल्यू अपडेट ना कर दे, लोकेशन की वैल्यू रही नल। सो इस तरीके आप लीनियर सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। लीनियर सर्च च यही है कि आप वन बाय वन एलीमेंट्स न कंपेयर करते हैं आइटम के न, जिथे ही आइटम फाउंड हो जाती है तो आप लोकेशन की वैल्यू अपडेट करके एग्जिट कर देंगे। सो दैट्स इट, ये लीनियर सर्च। नेक्स्ट टाइप होगी बाइनरी सर्च, वो आप नेक्स्ट लेक्चर से देखा। थैंक यू।